उधर भी है कैसा अंदर जाए पब्लिक देखो कैसा है मोड़ी में देखो भरा है काम मोड़ी जी को ऐसा मोड़ क्या बात मोड़ पटेगा ना ये पानी भाने का भाग डालो मत डालो डालो मत देखो हम लोग पूरा इधर दरवाजे में पूरा पानी चले जाता है इसमें ना चिंदी भरी गटर में क्या करेगा पूरा भर जाता है गली भरा गली किधर भरा है ये भर जाता है ना इसमें चिंदी डाली हूँ नहीं नहीं तो कहते गली किधर भरा हुआ है उधर आगे सब पूरा भरा है उधर ये सब पानी ऐसे ही रहता है अभी थोड़ा खाली होएगा इधर नहीं खास नहीं बच्चा भी है अंकल इधर भागता है पूरा पानी भरा रहता है वो लोग सुनते नहीं साफ करने को क्या प्रॉब्लम है आपको पानी भरा रहता है गटर में बच्चे लोग कहाँ खेले गली पूरी भरी रहती है कब से प्रॉब्लम है आपको ये अरे यार हमेशा जब भरता है ना तो घर ही भर जाता है घर भर जाता है पूरा पानी से पूरा सोने का जगह नहीं रहता ऊपर ना रहे तो सोए कहाँ आपका नाम क्या है पूनम यादव कितने दिन से भरता है पानी आज कम से कम हर महीना होने वाला धीरे धीरे भर रहा था गटर बोले कम से कम बहुत बार फोन करे सुनते ही नहीं सुनी नहीं रहे कि बोलते आ रहा हूँ रोज आते हैं आते ही नहीं नगर से वो कौन आगे नारायण है ना यहाँ के नगर से वो कौन है गंगा मानी अभी इसमें बोलने को भी हमको यही नहीं रहता चार चार बार बुला के लाओ जाओ बोले लिख के कागज लेके जाओ वो करके देके दो बोले अभी बच्चे लेके छोड़ के कहाँ जाइए बताओ अरे क्या वो सर ऐसे भरा रहेगा पूरा गटर अभी भरा रहेगा पूरा वार्ड लगा है अभी क्या करेंगे प्रेम नगर का पूरा गली पूरा एकदम गटर से भरा हुआ है नहीं कोई कोई सुन ही नहीं रहा हूँ अपना क्या नाम उसका नगर सेवक नहीं आ रहा बीएमसी का कोई काम बीएमसी का कोई बंदा इधर आ नहीं रहा हो जो आता था जाड़े मुका था वो भी नहीं आता इधर पूरा गलती एकदम भरा एक हफ्ते से आदमी परेशान है कोई सुन ही नहीं रहा उसको कितने दफे बोला गया कि इधर आओ गटर का थोड़ा सफाई करो ध्यान ही नहीं देता वो मुकादम है इधर का प्रेम नगर का फिर भी वो नहीं आता हो यहाँ का पानी खाड़ी निकाल दे पूरा इधर का पानी खाड़ी भी निकाल देता आदमी को रहने के लिए पूरा मच्छर डेंगू सब इधर ही है लड़के गिरते हैं उसी में कोई सुनने का एग्री नहीं है एकदम लगा है कितना गटर भरेला है कोई सुनवाई करता क्या हमारी को गरीब पानी दुबा कर रहा है पानी दुबा रहा पानी अरे घर में भी पानी है तुम्हारे आपके कितने दिन से घर में पानी है आपके घर में पानी आता है इधर से आता है ना मोहड़ी से आराम से आराम से आराम से आराम से एकदम आराम से पकड़े पकड़े रहो पकड़े रखो ऐसा पकड़े रखो ऐसा पकड़ के रखो ऐसा पकड़े रहो हाँ रुको 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 नीचे बैठ नीचे एकदम पानी भर जाता है अंदर धुआं भी मालूम नहीं है तो धुआं वाला आराम से आराम से भैया धुआं वाला था।
करने के लिए, उसके पहले आता नहीं है वो। हाँ दिवाली के टाइम पे आता है, 20-20 रुपए लेता है। पानी भर जाता है। अरे इधर तो कम है, आपके इधर आपके सामने देखो क्या मोची पानी भर जाता है। जनता मारेगा ना तो क्या करेगा। अपने तो बिल्डिंग में फ्लैट में है, अच्छा से है, सूरत कर बच्चे लोग के साथ। डॉक्टरी में जाओ तो डॉक्टर वाला क्या बोलता है, अरे अच्छा रखो बच्चे के, सूरत कर रखो, नीक से रखो, गंदा मत करो। कैसे रखे बच्चे के, जब रोड बन जाएगा, गली में पानी जाएगा तो कैसे बच्चे लोग के हम लोग रखेंगे, कैसे अपना भी फर्ज होता है स्वच्छता रखने का। आप स्वच्छता करते कि नहीं? सही रहे मेरे बच्चा के, तकलीफ ना हो, मेरे को डॉक्टरी जाने के ना हुए, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। लेकिन क्या करेंगे, जब घर में पानी है, गटर में पूरा गली में पानी है, तो किधर बच्चे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग घूमते हैं, गली में रहते हैं, पूरा पानी भरा है। कितना सा अब बोलो, गटर साफ करें बोलते जब कंप्लेन करो। अरे किसको कंप्लेन करो, तुमने ठीक है लिया, किसको कंप्लेन करो, तुमको नहीं करो तो किसको करो? कोई नहीं सुनवाई करता। गटर साफ करेगा तो 20 रुपया लेगा, 50 रुपया पैसा कौन मांगता है आपसे? आपसे पैसा कौन मांगता है? सफाई करने वाले गटर साफ करते हैं, वही पैसा मांगते हैं। नहीं रहेगा तो बोलते क्यों नहीं देती है, क्या बात है कि नहीं देती है? पैसा नहीं मैं अपना गंगा कुणाल साहब माने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रेम नगर गटरों का जायजा लिया जाए इधर का। इतने हालत खराब हो गए कि आदमी को चलने एकदम बेकार हो गए, इधर आदमी बच्चे गिर जा रहे हुए गटर पे। थोड़ा मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रेम नगर में आने की कोशिश की जाए। यहाँ सर इतना पानी भर चुका है कि आदमी परेशान है। अमृत लाल विश्वकर्मा, ये प्रेम नगर रोड जायजा लिया जाए इधर सर, गटर वालों जो साफ करके उनको भेजा जाए इधर, एकदम प्रॉब्लम बहुत हो गया, आदमी को चलना दुश्वार हो गया। पैसा कौन लेता है? पैसा कौन लेता है? पैसा इधर जो गटर साफ करते हैं उनको मांगते पैसा उनको देना पड़ता है तो भी नहीं आते हैं। गवर्नमेंट का आदमी उनको पगार है, उनको पगार मिलता फिर साफ सफाई करने वाला 20-20 रुपए मांगता है सर रोज, फिर सबसे मांगता है जब भी साफ करेंगे पैसा। इसके लिए मैं बोलता हूँ सर को इधर थोड़ा आने के जायजा लिया जाए इधर का। बच्चे लोग इतना बीमार होते हैं, भाड़ा तो दीवार डालो लंबा चौड़ा कचरा हो गया कि ऐसा तो कहीं नहीं है। इतना बाथरूम में गंदगी है आजू बाजू, गली का पानी खाने में निकाल दे अच्छे से तो बड़ी सुविधा हो जाए लोगों को। अरे कचरा ही नहीं कभी साफ होता, कचरा आदमी इधर ही रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा क्या? बाथरूम में वही हाल है, बाथरूम में वही हाल है।